के के क्लास टेंथ चैप्टर नेम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर टू को हम सॉल्व कर रहे हैं जिसका क्वेश्चन नंबर एट है कि इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाडिटिक इक्वेन टू एक्स स्क्र प्लस के एक्स प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरोज़ टू फाइंड द अदर रूट आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लिखी हुई है टू एक्सक्र प्लस के एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो अगर इसका एक रूट जो है वो टू हो तो इसका दूसरा रूट क्या होगा और फिर आपने के की वैल्यू भी बतानी है ठीक है तो इसके लिए हमें ये वर्किंग स्टार्ट करते हैं देखें हमें पता है हम सपोज कर लेते हैं कि एक रूट जो है इस इक्वेन का आ, अगर अल्फ़ा है तो दूसरा बीटा है ठीक है तो अल्फ़ा फ़र्ज़ करें टू है ठीक है हम यूं कहते हैं कि इफ़ टू एंड अल्फ़ा या यूं टू एंड बीटा भी कह सकते हैं आप इफ़ टू एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ठीक है लेट करें आर द रूट्स ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेन ठीक है तो फिर इनका सम और प्रोडक्ट क्या होगा उसके बारे में आप जानते हैं इसका फार्मूला कि हम जो सम ऑफ़ द रूट्स है यानी टू प्लस बीटा जो है उसको माइनस बी ओवर ए लिखते हैं ठीक है और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है यानी टू और बीटा का प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल्स टू हो जाएगा सी ओवर ए के ठीक है अब इस इक्वेशन में अगर आप देखें ए बी सी की क्या वैल्यू है चूँकि हम ये बात जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम यूं लिखते हैं एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो तो उससे अगर कंपेयर किया जाए तो ए जो है वो टू है बी की वैल्यू जो है वो के है और सी की वैल्यू जो है वो फोर है तो वो अगर हम इसमें दर्ज कर लें यानी हम यहाँ पे यूं लिखें टू प्लस बीटा जो है वो इक्वल्स टू माइनस बी यानी माइनस के ओवर टू आ जाएगा ठीक है ओवर टू आ जाएगा चूंकि ए टू है और इसी तरह से जो टू बीटा है ठीक है ये किसके बराबर आ जाएगा सी ओवर है सी की वैल्यू कितनी है फोर और ए की वैल्यू टू है तो फोर ओवर टू जिसको आप सिम्पलीफ़ाई करके सिंपल टू भी लिख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे हम टू लिख देंगे तो देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो बी है बीटा है जो रूट है सेकेंड वो टू डिवाइडेड बाई टू वो क्या आ रहा है वो वन के बराबर आ रहा है ठीक है और इसी तरीके से अगर हम बीटा की वैल्यू इधर पुट कर लें वन ठीक है तो टू प्लस वन इज़ इक्वल टू माइनस के ओवर टू आ जाएगा और अगर आप इसको ऐड करें तो थ्री बनता है थ्री इज़ इक्वल टू माइनस के डिवाइड बाई टू अब आप टू कोधर अगर आप मल्टीप्लाई कर दें थ्री से तो माइनस के की वैल्यू आ रही है सिक्स यानी के जो है वो किसके बराबर आ रहा है वो नेगेटिव सिक्स के बराबर आ रहा है तो हमें ये पता चला कि जो के है इस क्वेश्चन के लिहाज से उसकी वैल्यू आ रही है माइनस सिक्स और जो अदर रूट है सेकंड रूट है वो वन है ठीक है अब हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं मतलब एक फार्मूला हमने पढ़ रखा है कि अगर क्वाड्रेटिक क्वेन के रूट्स पता हो तो आप क्वाड्रेटिक क्वेन कैसे बनाते हैं आप लिखते हैं एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ द रूट्स इन एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और इक्वल्स टू ज़ीरो तो अगर आप देखें इनमें इनका सम लें माइनस सिक्स और मतलब सॉरी वन और टू का तो वह थ्री आता है यानी के अगर यहाँ पे आप देखें कि टू से अगर हम इसको डिवाइड कर लें पूरी इक्वेशन को ठीक है मतलब इसको अगर हम चेक करना चाहें तो हम कर सकते हैं ठीक है ना प्रोडक्ट चूंकि फोर आ रहा है ठीक है और यहाँ कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्र टू है इसको अगर हम पूरी पहले इक्वेशन को टू से डिवाइड कर लें और फिर इस, इस फॉर्म में ला के देखें तो हम ये वेरीफाई कर सकते हैं आंसर को ठीक है कि जो हमने आंसर्स निकाले हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं तो ये सिर्फ एक असाइनमेंट आपको मैं दे रहा हूँ आप खुद अपने तौर पर इसको करें और वेरीफाई भी कर सकते हैं अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर नाइन वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर नाइन इसमें इस तरह से है कि वन रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेन एक्स क्यूब एक्सर प्लस एक्स प्लस टू जीरो इज माइनस थ्री एक रूट जो है इस इक्वेन का क्यूबिक क्यूबिक्वेन का वो माइनस थ्री है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड अदर रूट्स आपने सिंथेटिक डिवीजन का जो प्रोसेस है मेथड है वो यूज करना है और जो उसके बाकी रूट्स हैं वो फाइंड करने हैं ठीक है तो अब इसकी वर्किंग मैं आपको समझा देता हूँ कि सिंथेटिक डिवीज़न में हम करते क्या हैं हम सिंथेटिक डिवीजन में डिवाइड uh, uh, का जो प्रोसेस है उसको शॉर्ट करने के लिए कोफिशंट्स का सहारा लेते हैं हम जो ये पोलिनोमियल है गिवन इसके कोफिशेंट्स लिखेंगे यहाँ पे ठीक है यानी एक्स क्यूब का जो कोफिशेंट है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे वो वन है उसके बाद एक्स स्क्वेयेर का कोफिशियंट सिक्स है गैप के बाद लिखेंगे सिक्स अगर ये माइनस सिक्स होता तो माइनस सिक्स लिखते हैं हम इसी तरह अलेवन जो है वो एक्स का कोफिशियंट है वो हम लिखेंगे और कॉन्स्टेंट जो है वो सिक्स है ठीक है अब जिस नंबर से हमने डिवाइड करना है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे मैंने जो हमारा गिवन फैक्टर है वो वन है और सॉरी वो थ्री है माइनस थ्री है ठीक है उसको हम इधर लिखेंगे अब इस वन को हमने एज इट इज डाउन लाना होता है ठीक है मतलब ये एज इट इज डाउन आएगा फर्स्ट जो भी कॉफिशेंट है और इस वन ने इस माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होना होता है वन अगर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस थ्री आएगा अब इन दोनों का हमें सम करना है जो कि सिक्स प्लस माइनस थ्री करो तो सिक्स माइनस थ्री थ्री आ जाएगा अब माइनस थ्री थ्री से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस नाइन आएगा इन दोनों का सम करेंगे तो आएगा आंसर टू और टू को अगर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करें तो आता है माइनस सिक्स और इन दोनों का सम करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा अब ये जो ये जो बच गया है इसको हम कहेंगे कि ये क्वेश्चनट है ठीक है ये क्वेश्चन के कोफिशेंट्स हैं जिसको हम फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं यानी अगर हम यहाँ पर ख़ुद से नंबर सोचें कि क्या हम वन से कर सकते हैं ठीक है या माइनस टू से अगर करना चाहें इसको डिवाइड ठीक है टेस्ट करते हैं कि माइनस टू इसका फैक्टर हो सकता है या नहीं तो तरीका वही है कि आप पहले मतलब जो है वन को एज इट इज़ नीचे ले आएंगे ये वन आ जाएगा वन माइनस टू से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू बनेगा इन दोनों को ऐड करेंगे वन आ जाएगा फिर वन माइनस टू से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू आ जाएगा और यहाँ से अगर आप देखें तो इनका भी रिमाइंडर जीरो आता है अब वन और वन आ गए हैं तो इसके लिए अगर हम माइनस वन लिखते हैं और इस वन को हम एज इट इज़ नीचे ले आते हैं ठीक है तो देखें ये यहाँ पे वन आएगा और वन जब इस माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन आएगा और इन दोनों का सम जीरो आ जाता है यानी हमारे जो रूट्स आ रहे हैं रूट्स जो आ रहे हैं रिक्वायर्ड रूट्स जो हैं इस गिवन जो क्यूबिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या हैं एक तो माइनस थ्री उन्होंने बताया हुआ था और एक माइनस टू हमने देखा और एक हमने देखा कि माइनस वन भी है तो इसी के से चूँकि क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके थ्री रूट्स होंगे ठीक है और वो तीनों हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं कि एक उन्होंने बताया हुआ था और दो जो फाइंड करने थे वो माइनस टू एंड माइनस वन है तो इस लिहाज से ये प्रॉब्लम जो है वो हमने सिम्पलीफाई करना सीखा विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन क्वेश्चन नंबर टेन है जी इसको सॉल्व करते हैं इसमें लिखा हुआ है कि सॉल्व फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें पहला पार्ट है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री एक लीनियर इक्वेशन गिवन है और साथ में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसमें एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स वाई प्लस टू वाई या वाई टू इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन लिखा हुआ है तो इसे हमें जो है वो सिंप्लीफाई करना है ठीक है और इसको चलें इस पार्ट को पहले मैं कॉपी करता हूँ पहले हम पार्ट वन डिस्कस करते हैं इसको कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं फिर हम पार्ट टू को जो है वो डिस्कस करेंगे हम यूँ कर लेते हैं कि ये वाई स्क्वायर है मिस प्रिंटिंग हुई हुई थी टू वाई लग रहा था लेकिन ये वाई स्क्वायर है तो चले जी हम इसका जो तरीका है वो ये करेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू थ्री जब हम इसका सोलूशन स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले इसमें से अलग कर लेंगे किसी एक वेरिएबल को ठीक है यानी अगर हम एक्स को सेपरेट कर लेते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री माइनस वाई ठीक है हम एक्स को सब्जेक्ट बना लेते हैं ठीक है और इसे हम इक्वेन नंबर वन कह लेते हैं जबकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेन गिवन है इसको हम सेकंड इक्वेन कह लेते हैं अब हम यूं करेंगे कि यूज़ करेंगे वैल्यू ऑफ एक्स ठीक है फ्रॉम इक्वेन नंबर वन इन इक्वेन नंबर टू तो इक्वेन नंबर टू में इसको हम यूज़ कर लेते हैं एक्स की इस वैल्यू को जहां जहां एक्स लिखा हुआ है उसकी जगह हम थ्री माइनस वाई लिखेंगे ये जैसे जहाँ पे एक्स स्क्वायेर था तो हम थ्री माइनस वाई का स्क्वायर लिखेंगे माइनस थ्री फिर एक्स की जगह थ्री माइनस वाई ठीक है इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायेयर और ये इक्वल है ट्वेंटी नाइन का इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं इसका ओपन करेंगे फार्मूला ए माइनस बी का हो स्क्र तो ए स्क्येर प्लस बी स्क्र माइनस टू ए बी ठीक है यहाँ पर थ्री इंटू वाई मल्टीप्लाई होगा थ्री से तो नाइन वाई आ जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस और थ्री वाई स्क्वेयर आ जाएगा ठीक है और ये प्लस वाई स्क्वायर भी है और इस ट्वेंटी नाइन को भी हम लेफ़्ट साइड पर मूव कर देते हैं ये माइनस ट्वेंटी नाइन हो जाएगा और इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा ठीक है अब आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो थ्री वाई स्क्यर वाई स्क्वायेर एंड वाई स्क्वायेर ये फाइव वाई स्क्वायर बन जाते हैं ठीक है अच्छा इसी तरह माइनस सिक्स वाई एंड माइनस नाइन वाई माइनस फिफ्टीन वाई बन जाते हैं और अगर हम देखें तो नाइन में से ट्वेंटी नाइन माइनस करें तो माइनस ट्वेंटी आ जाएगा विद बिगर वैल्यू नेगेटिव है अब पूरी इक्वेशन को अगर हम फाइव से डिवाइड कर लें तो ये वाई आ जाएगा ये माइनस थ्री वाई आ जाएगा और ये प्लस सॉरी ये माइनस फोर आ जाएगा ठीक है क्योंकि फाइव फोर जै ट्वेंटी अब मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस हम यूँ कर लेते हैं माइनस फोर वाई प्लस वाई और माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो ठीक है ग्रुपिंग कर लेते हैं पहली दो टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं पहली दो टर्म में से हम वाई कॉमन ले सकते हैं तो वाई माइनस फोर विद इन ब्रैकेट आ जाएगा और लास्ट टू टर्म में से हम प्लस वन ही कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन लेंगे तो विद इन ब्रैकेट फिर वाई माइनस फोर आ जाएगा और इक्वल्स टू जीरो अब वाई माइनस फोर कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट टर्म में वाई फैक्टर और सेकंड का प्लस वन ये आ जाएंगे अब वाई माइनस फोर और वाई जो प्लस वन है इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो के इक्वल आएगा चूँकि दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो के इक्वल है तो लाजमी उसमें जो है हम कहते हैं कोई एक नंबर जो है लाजमी ज़ीरो है ठीक है तो खैर ये इधर मैंने लिखा था यहाँ पर अब देखें अब हम यूं कह सकते हैं कि वाई जो है इक्वल टू जीरो प्लस फोर फोर आ जाएगा वाई की वैल्यू फोर आ जाएगी और वाई की वैल्यू जीरो माइनस वन माइनस वन आ जाएगी अब इसको हम पुट कर लेते हैं इन नंबर थ्री सॉरी वन इक्वेशन नंबर वन में पुट कर लेते हैं तो वन में एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं जो कि थ्री माइनस वाई है तो एक्स को आप फाइंड कर सकते हैं कि थ्री माइनस वाई की वैल्यू अगर आप फोर पुट करते हैं तो एक्स आ जाता है माइनस वन यानी एक ऑर्डर पेयर आपको मिलता है क्योंकि ये ग्राफ अगर देखा जाए तो लाइन का ग्राफ बनेगा लीनियर क्वेन से और क्वाड्रेटिक से पैराबोलिक शेप यू शेप ग्राफ बनेगा तो लाइन इसका मतलब है कि इस पैराबोलिक शेप को क्वाड्रेटिक क्वेन को दो पॉइंट्स कर रही है एक पॉइंट का कॉर्डिनेट एक्स कॉर्डिनेट माइनस वन और वाई इसका फोर है ठीक है जबकि अगर दूसरा पॉइंट निकालना चाहें तो उसके लिए वाई माइनस वन पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी थ्री प्लस वन चूँकि माइनस वन वाई और यहाँ भी माइनस और प्लस हो जाएगा तो की वैल्यू आ जाएगी फोर तो हमें एक दूसरा जो पॉइंट मिलेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट फोर और वाई माइनस वन है ठीक है तो इस तरीके से हम इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को जो है वो लिख सकते हैं ठीक है फाइनल अपने सोलूशन सेट के अंदर तो अगर हम सोल्यूशन सेट बनाएं जो कि चूँकि ये दोनों उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारी गिवन इक्वेन्स को तो एक ऑर्डर पेयर में माइनस वन फोर आ रहा है दूसरे ऑर्डर पेयर में फोर एंड माइनस वन आ रहे हैं ठीक है तो इन ऑर्डर पेयर्स को हम इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर जो है क्लोज कर सकते हैं अब जो इसका पार्ट टू है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जी पार्ट टू जो है इसमें अगर आप देखें तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं एक है सेवन एक्सक्वायर माइनस फोर इक्वल टू फाइव वाई स्क्वायर इसे हम इक्वेशन नंबर वन कह देते हैं और दूसरी है थ्री एक्सक्वायेयर प्लस टू इक्वल टू फोर वाई इसे हम इक्वेशन नंबर टू कह देते हैं इसमें हम स्ट्रेटेजी ये यूज़ करेंगे कि इक्वन वन में और टू में जो एक्स स्क्वायेर का कोफिशियट है वो हम बराबर बना लेते हैं यानी हम ऐसा करते हैं कि इक्वेन नंबर जो वन है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं थ्री से जो कि कोफिशियट ऑफ एक्स स्क्र है सेकेंड इक्वेन में और फिर हम माइनस कर लेंगे और किन का किन को माइनस करेंगे इक्वेन नंबर टू को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे सेवन से ठीक है और फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे देखिए इक्वन नंबर वन को अगर आप थ्री से मल्टीप्लाई करें यहाँ क्या आ जाएगा ट्वेंटी वन एक्स स्क्र फिर फोर थ्री जर ट्वेल्व और इक्वल टू आ जाएगा फाइव वाई स्क्वेयर ठीक है और अब दूसरी जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर टू उसको आप सेवन से मल्टीप्लाई करें तो ये सेवन थ्री ज़ार ट्वेंटी वन एक्स स्क्र प्लस सेवन टू ज़ार फोटीन और सेवन फोर ज़ार ट्वेंटी एट वाई ठीक है और आप चूंकि अब इन्हें सप्ट्रैक करें तो यहाँ पर आप इनके साइन जो है सेकेंड जो इक्वेशन आई है उसके टर्म्स के साइन आपने चेंज करने हैं सप्ट्रैक्शन की वजह से ठीक है तो आप देख सकते हैं कि ये ट्वेंटी वन जो है Square, ये य्वेंटी वन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा ये दोनों नेगेटिव में ही हैं तो नेगेटिव में ही ऐड हो जाएंगे ट्वेंटी सिक्स आ जाएगा और यहाँ पर ये बनता है फाइव वाई स्क्वायर और माइनस ट्वेंटी एट वाई ठीक है अब आप इस टर्म ट्वेंटी सिक्स को भी दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इन वेरिएबल वाई ठीक है यानी फाइव वाई स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एट वाई और ये प्लस ट्वेंटी सिक्स हो जाएगा और इक्वल्स टू जीरो यानी मैंने इनकी लेफ्ट साइड राइट साइड को भी चेंज किया एक स्टेप के बाद बोला स्टेप किया यहाँ पे ठीक है अब आप देखें तो यहाँ से कोफिशंट्स भी हम निकाल सकते हैं जैसे कि वाई स्क्वायर का कोफिशियन जो है वो फाइफ है यानी ए फाइफ है बी जो कि वाई का कोफिशियंट है वो माइनस ट्वेंटी एट है और सी जो कि कॉन्स्टेंट टर्म है वो ट्वेंटी सिक्स है ठीक है अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड कर सकते हैं दो वैल्यूज़ ठीक है चूँकि क्वाड्रेटिक वेन बनी है हम फार्मूला लिखेंगे वाई इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और होल डिवाइडेड बाय टू ए अब इनकी वैल्यूज इसमें दर्ज कर लेते हैं तो माइनस ट्वेंटी एट का नेगेटिव लेंगे तो ट्वेंटी एट आ जाएगा प्लस माइनस अब माइनस ट्वेंटी एट का स्क्वायर लेंगे हम और फिर माइनस फोर ए की जगह फाइव सी की जगह ट्वेंटी सिक्स करके इन्हें सिम्प्लीफाई करेंगे ठीक है और जो भी आंसर आएगा होल आंसर उसको टू टाइम्स ए की वैल्यू फाइव है टू इंटू फाइव यानी इसे हम डिवाइड कर देंगे ठीक है तो अब ये कैलकुलेटर पे मैं कैलकुलेट करता हूँ और आपसे आंसर जो शेयर करता हूँ अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन है असल में ये फोर वाई स्क्वेयर है ठीक है ना तो इस लिहाज से अब हम जब इसको सिम्प्लीफाई करेंगे ना तो ये ट्वेंटी एट वाई स्क्वेयर हो जाएगा तो यहाँ कुछ हमें ये वर्किंग करनी पड़ेगी ठीक है मतलब ये जो इक्वेशन मैंने लिखी थी ये मैं एक दोबारा आप लिखूँगा क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी मतलब करेक्शन आई है कि एक तो थ्री से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री फाइव या फिफ्टीन वाई स्क्वायर आएगा और जब इसको सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे एक टू को तो ट्वेंटी एट वाई स्क्वायर आएगा सब की वजह से इनके साइन चेंज होंगे ठीक है अब यहाँ पर माइनस ट्वेंटी सिक्स और दूसरी तरफ जो आएगा वो माइनस थर्टीन वाई आ जाएगा ठीक है यानी ट्वेंटी फाइव फिफ्टीन में से ट्वेंटी एट माइनस करेंगे अब 26 सिक्स जो माइनस का इसको माइनस थर्टीन से आप डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वेयेर की वैल्यू आ जाएगी यानी वाई स्क्वेयेयर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा टू के और वाई की वैल्यूज़ जो आएंगी वो प्लस माइनस अंडर रूट टू आ जाएगी ठीक है चूँकि आप दोनों तरफ स्क्यर रूट लेंगे तो देखिए वाई की एक वैल्यू आई है अंडर रूट टू और दूसरी वैल्यू आई है वाई की माइनस अंडर रूट टू ठीक है अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप एक एक करके किसी एक इक्वेशन में दर्ज कर लें ठीक है यानी चले हम इक्वेशन नंबर वन में पुट करते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर वन तो जो है एक्स सेवन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस फोर इक्वल टू फाइव और वाई की जगह आप अंडर वो टू का अंडर वो टू पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर लेंगे तो वह टू आ जाएगा ठीक है यानी टेन बन जाएगा तो सेवन वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन सॉरी सेवन एक्स स्क्वायेर इज इक्वल टू इज इक्वल टू ये टेन बन जाएगा और फोर इसमें आके ऐड हो जाएगा तो फोर्टीन आ जाएगा और फोर्टीन को जब आप सेवन से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू टू आ जाएगी यानी यहाँ से आपको एक्स की मजीद दो वैल्यूज मिल रही हैं प्लस माइनस अंडर उड टू यानी हम यूँ कह सकते हैं कि दो ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे चूंकि दोनों क्वारिटिक हैं तो इससे हमें फोर पॉइंट्स मिल रहे हैं यानी वाई की वैल्यू पॉजिटिव टू अंडर उड टू पुट करने से एक एक्स की वैल्यू मिल रही है अंडर उड टू ठीक है इसके साथ एक ऑर्डर पेयर बनेगा अंडर उड टू का और एक, एक एक्स की वैल्यू चूँकि नेगेटिव अंडर उड टू आई है लेकिन वाई वही रहेगा अंडर उड टू तो ये हमें दो ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे यहाँ पे ठीक है इसी तरह जब हम वाई की सेकेंड वैल्यू के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से भी हमें दो ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे ठीक है उनकी भी वर्किंग में आपसे जो है यहाँ पे शेयर करता हूँ कि उसमें जब आप माइनस टू पुट करेंगे तो सेम यही सेवन एक्स स्क्र माइनस फोर जो है इक्वल टू फाइव इंटू टू आएगा चूँकि माइनस अंडर टू का स्क्वायर जो है वो टू ही आएगा ठीक है मतलब यहाँ से भी आपको जो है टेन मिलेगा और टेन इसमें फोर ऐड होगा फोरटीन आ जाएगा सेवन एक्स स्क्र इक्वल टू फोरटीन आएगा फिर फोर्टीन को आप जब डिवाइड करेंगे सेवन से तो टू आएगा और इसके भी दो वैल्यूज आ रही हैं एक्स की यहाँ से भी अंडर रूड टू प्लस माइनस अंडर रोड टू तो दो ऑर्डर पेयर यहाँ से भी मिल रहे हैं यानी एक्स अंडर रोड टू वाई माइनस अंडर रोड टू ही रहेगा ठीक है और की वैल्यू चूंकि दो आई हैं एक की वैल्यू नेगेटिव अंडर रोड टू है लेकिन वाई की क्या रहेगी वो माइनस अंडर रूड टू ही रहेगी ठीक है तो इस इस तरीके से ये हमारे पास दो ऑर्डर पेयर्स आएंगे अब हम जब सोल्यूशन सेट बनाएंगे तो उसके अंदर इन चारों ऑर्डर पेयर्स को लिख देंगे चूंकि हमें यहाँ से चार पॉइंट्स मिले तो वो मैं अभी स्क्रीन पे आपसे शेयर कर देता हूँ लिखकर जी तो ये आप आंसर जो है वो स्क्रीन पे देख सकते हैं अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जी इलेवन है इसमें लिखा हुआ in, oh है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज फोर्टी एट सेंटीमीटर स्क्वायर इफ़ द लेंथ एंड वर्थ आर इन ईच इंक्रीज बाय फोर सेंटीमीटर द एरिया ऑफ द लार्जर रेक्टेंगल इज फोर्टीन सॉरी वन ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड द लेंथ एंड वर्थ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल ठीक है यानी आपने ओरिजिनल जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ एंड वर्थ फाइंड करनी है जो कि हम सपोज कर लेते हैं एक्स एंड वाई है ठीक है एक्स एंड वाई बी द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल बी द लेंथ ऑफ लेंथ एंड वर्थ ठीक है लेंथ एंड वर्थ ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल ठीक है अब uh, चूंकि उन्होंने ये कहा था कि जो ओरिजिनल रेक्टेंगल है उसका एरिया है फोर्टी एट सेंटीमीटर स्क्वायर तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है यहाँ पे मैं अगर रेक्टेंगल बना भी दूँ तो इसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ ठीक है यानी एक्स वाई ठीक है या बेस मल्टीप्लाई हाइट तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स वाई जो है वो किसके इक्वल है फोर्टी एट के इक्वल है ठीक है ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास और दूसरी बात उन्होंने ये की है कि अगर लेंथ और विड्थ दोनों में फोर सेंटीमीटर इंक्रीज किया जाए यानी एक्स में भी फोर और वाई में भी फोर इंक्रीज किया जाए ठीक है तो दोनों का अब जो प्रोडक्ट है वो भी एरिया को रिप्रेजेंट करेगा लेकिन अब वो एरिया लार्जर रेक्टेंगल का होगा और वो उन्होंने बताया हमें कितना वन ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वेर है तो ये आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब हम अगर इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ठीक है यानी अगर मैं सॉल्व करूं इक्वेशन नंबर टू को पहले ठीक है मैं लिखता हूं सॉल्विंग इक्वेशन नंबर टू ठीक है तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ ये एक्स का प्रोडक्ट इन दोनों से लूंगा तो एक्स वाई आएगा और प्लस फोर uh, एक्स आएगा इसी तरह अब प्लस फोर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस फोर वाई आएगा और फोर फोर हज़ार सिक्सटीन आ जाएगा और इक्वल्स टू वन ट्वेंटी आ जाएगा अब यहाँ पे एक्स वाई की जगह मैं अगर इक्वे नंबर वन यूज़ करके फोर्टी एट पुट कर लूँ तो फोर्टी एट प्लस फोर एक्स प्लस फोर वाई ठीक है प्लस सिक्सटीन ये किसके इक्वल आ जाएगा वन ट्वेंटी के ठीक है नेक्स्ट स्टेप में मैं ये कर सकता हूँ कि 48 और 16 को ऐड करूंगा तो 64 आ जाएगा वो 120 में से माइनस कर देता हूं यानी 4x एक्स प्लस जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा इसको मैं ठीक करके लिखता हूं जी 4x एक्स प्लस जो है वो इक्वल आ जाएगा 120 ट्वेंटी माइनस सिक्सटी के ठीक है और इनका अगर डिफरेंस लें तो ये 56 आ जाता है यानी 4x एक्स प्लस जो है इक्वल है फिफ्टी के चले इसे मैं मजीद सिम्प्लीफाई करता हूँ अब हमारे पास ये आ गई ठीक है इसमें फोर कॉमन ले लें तो फोर इंटू एक्स प्लस वाई फिफ़्टी सिक्स हो जाएगा और फिफ्टी सिक्स को अगर आप फोर से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है 14 यानी हम यहाँ से एक्स को सेपरेट करें तो एक्स इक्वल आ जाएगा 14 माइनस वाई के इसे अगर हम इक्वेशन नंबर वन में पुट कर लें जो कि एक्स वाई इक्वल टू एट है तो एक्स की जगह आप लिख सकते हैं फोर्टीन माइनस वाई अब इन दोनों का प्रोडक्ट लें और इसे सिम्प्लीफाई करें तो वाई स्क्वायर माइनस फोर्टीन वाई प्लस फोर्टी एट इक्वल टू जीरो आ जाता है ठीक है अब इसके अगर फैक्टर्स बनाए जाएं तो माइनस एट वाई और माइनस सिक्स वाई आएंगे इनके कॉमन लेकर इसकी फैक्टराइजेशन की जाए तो दो फैक्टर आते हैं वाई माइनस सिक्स एंड वाई माइनस एट जिनका प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है दोनों को अलग अलग ज़ीरो के इक्वल लिखें तो वाई की वैल्यू आती है एक सिक्स और एक एट जिसे अगर हम इक्वेशन नंबर फोर में पुट करें तो एक्स की वैल्यू एक एट आ जाएगी और एक सिक्स आ जाएगी ठीक है तो इससे हमें दो ऑर्डर पेयर मिलेंगे जिन्हें हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर जो है वो कहलाएगा या हम यू भी कह सकते हैं क्योंकि हमें लेंथ और विर्थ पूछी थी रेक्टेंगल की तो लेंथ जो है एट सेंटीमीटर और विथ सिक्स सेंटीमीटर या आप अगर लेंथ देखें तो वो सिक्स हो जाएगी और विर्थ एट मतलब चूंकि उन्होंने दो डायमेंशन की बात की थी ठीक है तो वो हम इसी के से भी इसका आंसर कर सकते हैं